चलिए आज हम बनाते हैं इन्फ्रारेड इंडक्शन में एक इस प्रकार का प्रॉब्लम जिसे आप बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा, बाद में पता चला कि ये नॉर्मल प्रॉब्लम था। तो चलिए देखते हैं इसमें इस प्रॉब्लम का क्या है जो इसको जानते हैं। सबसे पहले तो इसको इनपुट देना पड़ेगा, तो इसको इनपुट देने के लिए हम देखिए सभी वायर को कनेक्ट कर दिए, इसको आप एसी लाइन में इनपुट का कनेक्शन कर देते हैं। सबसे पहले इसको करने के लिए मैं इसको बोर्ड में इसको कनेक्ट कर दिया। देखिए इस प्रकार से ए अब क्या होगा, तो इसको हम सबसे पहले देखिए फैन ऑन हो गया है और यहाँ पर इसका एलईडी ऑन हो गया है, यहाँ पर ऑन कर दिया तो यहाँ पर देखिए E2 आ रहा है जबकि फैन मेरा चल रहा है। यहाँ समय सब सही है, नया किट है तो मैंने इसका ख़राब किट निकाल कर इस पर एक नया किट लगा इंस्टॉल कर रहा हूँ, उसके बाद भी ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसमें सब नया है, इसके बाद इसका क्वाल सही है, सब सही है, तो इसके बाद भी E2 का प्रॉब्लम क्यों आ रहा है ये हमें समझना है। तो इसको मैं ऑन करके देखा, उसके बाद सब नया किट था। तो उसके बाद मैंने सोचा इसमें प्लेट का या किट का कुछ प्रॉब्लम होगा, तो मैं इसके जगह पर मैं दूसरा किट भी इस पर लगा के देखा। देखने के बाद भी इस पर E2 का प्रॉब्लम आ रहा है बार बार और ये हीट नहीं हो रहा है और फैन देखिए जबकि एक घूम रहा था इस प्रकार से ये फैन घूम रहा है, देखिए ये सही से घूम रहा है। तो इसका फैन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉइल का प्रॉब्लम नहीं है, इनपुट वायर का सब सही होने के बाद भी ये काम नहीं कर रहा है। तो इसको मैं देखिए ये जो सेंसर है इसको चेक करना पड़ा मेरे को, तो इसको मैं सबसे पहले इसको चेक करके देखना है। तो इसको देखने के लिए हम इसके लिए एक मल्टीमीटर का यूज करेंगे। तो देखिए मैंने इसको खोल लिया हूँ और इसको हम सबसे पहले इसको चेक करके देखते हैं कि ये सही है या नहीं। तो इसके लिए ये सेंसर के कारण देखिए इस पे कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है, तो इस कारणवश इसमें कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है, ये सेंसर ख़राब हो गया है। ये इन्फ्रारेड इंडक्शन में अगर ये सेंसर का प्रॉब्लम आएगा तो जानिए ये E2 का प्रॉब्लम हो सकता है, जिसके कारण से इंडक्शन ऑन नहीं होता है। और E2 का देखिए मैंने इसमें सेंसर नया लगा दिया हूँ और इसको सेंसर का कनेक्शन कर देते हैं और इसको फिर इसे ऑन करके देखेंगे कि इस प्रकार की प्रॉब्लम इसमें देखिए ये सही है, इसको मैंने लगाया हूँ। तो इसको लगाकर अब इसको ऑन करके देखेंगे कि इस पर अब ये चालू होगा या नहीं। ये बहुत अच्छा से वर्क किया, ये चालू हो गया, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं इसमें इनपुट वायर देता हूँ, देखिए इनपुट वायर देने पर ये ऑन हो गया है। उसके बाद इसको मैं देखिए ऑन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए इस सीरीज में था, इसे मैं मेन लाइन में ऑन करता हूँ। अब देखिए इस पर मैं लाइट को ऑफ कर देता हूँ तो इसमें देखिए ये ऑन हो गया है और इस पर क्वाइल जलने लगा है, इस पर बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। इस प्रकार आप इस प्रकार के प्रॉब्लम को बहुत आसानी से बना सकते हैं।